नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे ये पालक, इसे खट्टी वाली पालक बोलते हैं हम लोग। आप लोग के वहाँ पे क्या बोलते हैं आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ये खट्टी वाली पालक के कचौरी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया हूँ चलिए देखते हैं। पहले हम साग को पीस लेंगे, उसके बाद हम मैदा में, ये मैंने साग को पीस लिया हूँ तो चलिए इसको मैदा के साथ गूंथेंगे। हमने क्या क्या लिया, चने की छत्तू है हमारी थोड़ी सी, आधा कटोरी मैदा है, तो चलिए पहले हम मैदा को गूंथ लेते हैं। यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल पहले ऐड कर चुका था। तो चलिए अब थोड़े साग को हम मिलाएंगे और थोड़े जैसे आटा गूंथते ऐसे हम गूंथ लेंगे। हम मैदा को गूंथ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम साग को ऐड करूँगी, तो पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। तो चलिए हम थोड़ा साग को ऐड करके हम आटा मैदा को गूंथ लेंगे। चलिए और थोड़े से हम साग मिला लेते हैं और आटा जैसे गूंथते हैं वैसे गूंथ के अब चलिए कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा कचौरी बना भी लिया हूँ। देखिए छत्तू में हमने मिलाया हूँ हींग, थोड़ी सी नमक और चीनी थोड़ी सी मिलाया हूँ। तो चलिए कैसे हम भरते हैं कचौरी में, चलिए देखते हैं। देखिए हमने लोई बना लिया हूँ। चलिए अब कचौरी को हम बेल लेते हैं, कचौरी बेल रहे हैं हमारे भैया। चलिए हम कचौरी, कढ़ाई गर्म हो चुका है, चलिए अब कचौरी को हम तल लेंगे। तो चलिए एक कचौरी आपने ऐड कर दिया हूँ, चलिए थोड़ी सी घुमा देती हूँ कचौरी को। ठीक है, हमारा कचौरी कितना सुंदर फूल गया है, चलिए इसको पलट देती हूँ, पलट दिया हूँ। चलिए अब इससे करके हम सारे कचौरी को तल लेंगे। हमारा खट्टी वाली पालक साग की कचौरी बिल्कुल बनके तैयार। एक बार ज़रूर आप लोग घर में ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए इसको हम